इज एनिमल दैट प्रॉब्लमैटिक? मैं क्या यार, पिक्चर है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं यार। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस यार। सो हेलो एंड वेलकम टू सिनेमा लैड्स। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल के बारे में। और शुरू करने से पहले, मैं नम्र पंड्या और मैं ओम पंड्या, तो एनिमल की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एनिमल की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक सन के अराउंड, जो अपने पापा से लव और अफेक्शन कब से मांगने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके पापा बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, अपना एम्पायर खड़ा करने के फादर सन, फादर सन बॉन्डिंग के बारे में ये पिक्चर है। लेकिन आयरोनिकली हम पापा के साथ ही ये पिक्चर नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, तो इतना शॉर्ट जो हमने आपको सिनॉप्सिस बताया, इतना ही आप जानिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो भी बातें करेंगे वो सारी स्पॉइलर फिल्ड होंगी। हाँ, तो अगर शॉर्ट रिव्यू अगर आपको जानना है कि हमें कैसी लगी, तो काफी अच्छी लगी। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले देख के आइए और फिर हम आपको क्या कहते हैं और भी थियरीज भी आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि एंड में जो चीज हमने देखी है हाँ उसके बारे में काफी तो सारी काफी सारी थियरीज आपको मजा आ जाएगा देखने में। तो कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जो बेटे का कैरेक्टर है वो रणबीर कपूर ने प्ले किया है, फादर का कैरेक्टर अनिल कपूर ने। विलन है बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना वाइफ है, और तृप्ति दिमरी भी एक छोटे से कैमियो समझ सकते हैं आप उनका, उसके लिए है। लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मर मेरे लिए तो सचदेव, सौरभ सचदेव थे भाई, सच में। उनकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टोरी का पेसिंग कैसा लगा? स्टोरी का पेसिंग, देखो स्टोरी किसके बारे में पहले हम ये जान लेते हैं। स्टोरी एक कैरेक्टर के ऊपर है, इट्स अ कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी। एनिमल जो अपना रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, रणविजय, सो उसके ऊपर ये है। इट्स लाइक अ मिनी बायोपिक के कोई एक कैरेक्टर है उसके ऊपर उसकी स्टोरी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ मिनी बायोपिक ऑफ अ फ्रिक्शनल कैरेक्टर। तो उस हिसाब से जो की पॉइंट्स होते हैं, तो देखो बायोपिक जो होती है ना वो लंबी होनी चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर की पूरी जर्नी दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट काम है। तो अगर आप थोड़ा लंबा कर रहे हो तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको खींचना थोड़ा क्या कहते हैं ज्यादा हो जाता है खींच। और आई थिंक एनिमल की यही अच्छी बात है, अगर आप उनके कॉन्वर्जेशंस अगर ध्यान से सुन रहे हो और आपको पता चल रहा है कि वो कैरेक्टर्स क्या कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट नहीं खोओगे और बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे। और स्टोरी की जो पेसिंग की बात की, पहली बात तो जो फर्स्ट हाफ है वो नॉन क्रोनोलॉजी थोड़ा करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या कहते हैं एक इंटरेस्ट अपने आप ही बनाए रखता है। और जो सेकेंड हाफ है उसमें शायद थोड़ा स्लो कर दिया ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो स्लो भी शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर वो एनिमल का जो आगे आने वाला है दूसरा जो भाग, उसके लिए शायद वो सेटअप कर रहे हैं, इसलिए शायद वो। और बहुत इंटरेस्टिंगली जो फर्स्ट पार्ट है वो जहाँ पे इंटरवल आता है ना, उससे पहले आप 2 घंटे की मूवी देख चुके हो। यस। और इंटरवल के सेकेंड हाफ जो है वो 1.5 आवर का है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ड्रैग लगता है। अब तो वो एडिटिंग का ही कमाल है मेरे हिसाब से। यस यस। और फर्स्ट हाफ की एडिटिंग बहुत ज्यादा शानदार थी। काफी लोग कह रहे थे कि उसमें लोगों को ये लग रहा था कि मतलब बैक एंड फोर्थ बहुत हो रहा था, तो नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि स्टोरी किधर से किधर जंप करे, कितने साल जंप कर रही है। और जो बहुत ही गट्सी चॉइस थी डायरेक्टर की मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कमर्शियल मूवी में नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया है। यस, हैट्स ऑफ मैन। और हाँ, डायरेक्टर कौन है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं बताना भूल गया कि संदीप रेड्डी वांगा की थर्ड फिल्म है, लेकिन आप देखे तो सेकंड फिल्म कंसिडर कर सकते हैं। रीमेक था कबीर सिंह, तो पर उसमें भी एक्चुअली उन्होंने जो डायरेक्शन वाइज है उन्होंने काफी अपलिफ्ट किया है, क्योंकि मैंने अर्जुन रेड्डी देखी है और कबीर सिंह दोनों देख रखी है। उसमें जो चेंज है ना, एक तो प्रोडक्शन वाइज चेंज है और डायरेक्शन वाइज भी काफी चीजें चेंज की है, जहाँ पे जो क्या कहते हैं साधन का इस्तेमाल करना जो अपन कहते हैं, तो प्रोडक्शन जब उनके पास बजट आ गया कबीर सिंह के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा एलिवेट किया उन्होंने एडिटिंग, मतलब क्या कहते हैं डायरेक्शन वाइज। और इवन टी सीरीज ने काफी हेल्प किया था। और सेम एनिमल भी ये हमें दिखती है कि एक प्रोडक्शन जैसे बढ़ गया, जैसे कि इसका बजट बढ़ गया, तो उसको काफी अच्छे से मैनेज किया है डायरेक्टर ने, क्योंकि इंटरवल पहले वाला जो सीक्वेंस है, अगर टी सीरीज का ही हम पुराना काम देखे 500 करोड़ वाला मैं इट्स एलिफेंट इन द रूम वो मेंशन करना जरूरी है। हाँ, जिसने नहीं देखी, हम लोग बात कर रहे हैं आदि पुरुष के बारे में, वो कलॉसल फेलियर था।
और एक्टिंग घटिया, डायरेक्शन घटिया, और VFX छोड़िए आप उसकी बात नहीं। मैं अच्छे मूड में हूँ, ठीक है, मैं अच्छे मूड में हूँ। सो जो मैनेजमेंट है, एक डायरेक्टर का मैनेजमेंट होता है, तो वो काफी अच्छा किया है। इवन सेम इससे हम ये देख सकते हैं कि जब कोई स्टूडियो अच्छे डायरेक्टर के हाथ में पैसे देता है तो उससे काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। 500 करोड़ अगर आप बेकार डायरेक्टर को दोगे तो बिगाड़ देगा, या फिर 500 करोड़ में से तो 200-300 करोड़ तो शायद एक्टर्स की फीस ही थी, पर वो बात हम करेंगे नहीं क्योंकि। और वही सेम चीज एनिमल आई थिंक 100 करोड़ में बनी है, आई गेस, या फिर उससे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन 100 करोड़ में वो जो इंटरवल पहले का जो पूरा सीक्वेंस है एक्शन वाला, उसको मैनेज करना, आई वॉज लाइक कैसे ये। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि संदीप रेड्डी वंगा ने टोटल तीन फिल्म्स बनाई है, दो स्टोरीज पे काम किया है, लेकिन ये उनका फर्स्ट एक्शन सीन था मेरे साथ। और उन्होंने काफी अच्छी तरीके से किया। हाँ, उसमें कुछ जंप कट्स और स्पीड रैंपिंग आपको दिख जाएगी, पर इट इज वेरी यू नो, हर मास सिनेमा आप देखते हो और एवरीडे मूवी गोइंग ऑडियंस को फर्क भी नहीं पता चलेगा। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, और वो एक्चुअली एलिवेट करता है, क्योंकि कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंस में जैसे कि एक पंच आ रहा है तो इतना आप थोड़ी रुकोगे, मतलब कट देके वो इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए कहीं कहीं पे तो रैंपिंग जरूरी होता है। आरआर में तो फिर ऐसे देखा जो कितने सारे थे, लेकिन वो सर्व करता है, उस स्टोरी को सर्व करता है आगे जाके। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं पहले। हाँ, परफॉर्मेंस रणबीर कपूर भाई, रणबीर कपूर उसका एंड के लिए बचा लेते हैं। ठीक है उसका एंड में लेते हैं, ठीक है। Who was your favorite actor besides रणबीर कपूर in the film? अनिल कपूर। मेरे लिए सौरभ सचदेव। अच्छा, इवन मैं लॉर्ड बॉबी से भी ऊपर रखूंगा उनको। okay. लेजिट मस्ती भी नहीं कर रहा। ओके, बट उनके बारे में तू पहले बात कर, अनिल कपूर के बारे में। अनिल कपूर देखो, मैं जो एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस जो मैं जज कर रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से जज कर रहा हूँ। देखो, मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा इतना तो पता ही एक्टिंग के बारे में, तो उस हिसाब से मैं जज कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे ओपिनियन को लेना। अनिल कपूर का जो वॉइस एंड स्पीच अपन कहते हैं, थिएटर में एक टर्म होता है वॉइस एंड स्पीच, तो उसको अनिल कपूर ने इतने अच्छे से दिखाया, या फिर इवन जो उनका वॉक स्टाइल है, या फिर जो उनका क्या कहते हैं, अगर उनका ज्यादातर सीन अग्रेशन वाले, उनका वर्नरेबल साइड भी है। वर्नरेबल, हाँ, वो भी साइड दिखाता है जब उनको गोली लगते हैं, तो तब जो वॉइस एंड स्पीच, हाँ, तो इतने ओल्ड होने के बाद भी उन्होंने जो ऐसे एक मेंटेन कर रख के रखा है एक्टिंग में, और उनकी एज बढ़ रही है तो उनकी एक्टिंग बेहतर ही होती जा रही है, और उनका जो कैरेक्टर इतना क्या कहते हैं, खड़ूस तो नहीं लेकिन एक क्रूअल भी नहीं, क्योंकि उनके कैरेक्टर का भी साइड दिखाया है फिल्म के एंड में। सो जो एक कठोर पिता होते हैं, आई थिंक वो उनका कठोर या फिर एब्सेंट पिता, ऑनेस्टली उनको कठोर भी नहीं कह सकते, क्योंकि ही लव्ड हिज सन बट ही जस्ट डिड नॉट हैव टाइम, ही डिड नॉट टेक आउट टाइम फॉर हिम, द फैमिली इनफैक्ट, द होल फैमिली। इवन जब टाइम आ भी रहा था तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो इतना क्या कहते हैं, हार्ट वार्मिंग, या फिर एक नॉर्मल बाप पिता जो बात, मतलब बाप बेटा जो बात करते हैं वैसी नहीं थी, मतलब गुस्से। इवन रणबीर कपूर जो एक्ट करके दिखाता है एंड में के वो दिन का अपन रिप्ले करते हैं, तो वहां पे वो जो गुस्सा आ रहा था ना कि क्या यार तू आगे जाके क्या करना है तेरे को, या फिर वो जो एक्सप्रेस कर रहा था क्या बर्थडे लगा के रखा है, बड़ा बनना है या नहीं। हाँ हाँ, सो वो दिखा रहा है कि काश वो ऐसा रियल लाइफ में भी होते अपने दोनों बेटों पे, पता नहीं पर ठीक है, वो अलग बात है। दोनों बेटे, हाँ, नहीं भाई, एक तो बेटी है। हाँ, मैं वॉइस एंड स्पीच पे वापस आता हूँ। जो सीन है, इवन ट्रेलर में भी सब लोग ने देखा है, अनिल कपूर का, अब अनिल कपूर के शायद तीन ही डायलॉग है और वो तीनों सेम वर्ड्स है, पापा पापा पापा, लेकिन तीनों पापा अलग है, तीनों पापा अलग है। लेजिट, आप पहली बार में अगर आप हेडफोन्स के साथ सुन रहे हो तो आप नोटिस भी कर लोगे कि जो फर्स्ट पापा है वो पूछ रहा है पापा के बारे में, जो सेकंड पापा है वो थोड़ा सा कंसर्न कि पापा आपने सुना वैसा टाइप से है, और जो थर्ड है वो तो पापा प्लीज सुन लो अटेंशन के लिए, अरे सुन तो लो यार, और फिर बाद में जब वो जो रिप्लाई आता है वो उन तीनों पापा, बहरा नहीं हूं मैं भाई साहब, गूज़बम्स, मैं अभी सोच रहा हूँ मेरे को गूज़बम्स आ रहा है। उस सीन में अनिल कपूर की जो एक्टिंग है सिर्फ आंखों से, उसमें कोई आईब्रोज इतने मूव नहीं हो रहे, या फिर इतना कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा, वो बैठे बैठे जो एक्टिंग कर रहे थे भाई, इट वाज अमेजिंग।
और बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना, आप अपने मूवमेंट्स भी नहीं दिखा सकते, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक इमोशन कन्वे करना है सिर्फ अपने आवाज से। और अगर वो सीन देखोगे ना तो वो अनिल कपूर का भी बैक शॉट है और पीछे रणबीर कपूर ऐसा चल रहा है, आपके बैक शॉट है, आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रहे हो और उसमें भी आप इमोशन कन्वे कर रहे हो, वो भी इतने अच्छे। सो दैट इज रिमार्केबल, एक्चुअली रिमार्केबल। तो मैं सौरव सचदेव, वैसे तो उनका कोई कैरेक्टर इतना बड़ा है नहीं, वो कौन मूछो वाले नहीं, सौरव सचदेव वाज अब्रार्स ब्रदर, मतलब लॉर्ड सनी, मैं बॉबी, हाँ लॉर्ड बॉबी, सॉरी सनी नहीं, लॉर्ड बॉबी के आवाज जो खुद को ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जो, हाँ जो भी, तो उनका कैरेक्टर मतलब इस फिल्म में इतना एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए तो उन्होंने छाप छोड़ दिया फिल्म में, कि काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था उनका, जो हमें मतलब जितना क्रेजी बॉबी दिखाया है ना उतने क्रेजी ये नहीं दिखाए, ही थिंग्स ओके। वो बॉबी गुस्सा भी हो जाता है जब रणबीर आता है, वो ठोकने चला जाता है पर वो रोकता है कि नहीं, हाँ हाँ तू सोच, हमें बदला लेना है, स्वास्तिक को गिराना है और इसके बाद तो इसको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर ही इज लाइक डार्थ वेडर के पीछे पैलपटीन जो है वैसा। आई हैवंट सीन स्टार वॉर्स, नहीं लोग समझ जाएंगे, जिन्होंने देखा वो समझ जाएंगे। या सो तो मतलब वो साइड कैरेक्टर था पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। दूसरा माई सेकेंड फेवरेट आफ्टर रणबीर कपूर वॉज अनिल कपूर, बट तूने काफी बात कर ली उनके बारे में, एंड देन रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना, अरे रश्मिका, एक सेकेंड, रश्मिका मंदाना का जो सबसे मीम्ड कॉन्वर्सेशन था जो ट्रेलर में, वो उन्होंने इतना फ्लॉलेसली प्ले किया है इन एक झटके में, इन वन टेक शी हैज डन, एंड शी इज क्राइंग, शी इज लाफिंग, शी इज कंफ्यूज, शी इज एंग्री, शी इज एवरीथिंग इन दैट मोमेंट, शी इज रिमार्केबल, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक एक्टर को कहा जा रहा है कि एक ऐसा सीन है जिसके अंदर आप अपने सारे इमोशन डाल दो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करो कि क्या हो गया। वो जो सीन है करवा चौथ का सीन है, ठीक है, एग्जैक्टली, वो पूरे दिन भूखी है, प्यासी है, और जब, उसके बाद जब क्या कहते हैं, एक पति का दिन होता है ना, अपन कहते हैं ना कि पति के लिए किया है, और जब पति आपके सामने आता है और वो आपको कहता है कि आई हैव स्लेप्ट विद समवन एल्स, She is like, क्या slept मतलब क्या? First वाला जो question था ना, वो तो definitely वो वाला था कि मतलब हाँ मतलब मस्ती कर रहे हो क्या, मतलब मस्ती कर रहे हो, हाँ वो second वाला था, she understood what he was saying, but still वो मानना नहीं चाहती, वो मानना नहीं चाहती, और she wants him to say it very clearly, वो मान कह दे कि तू झूठ मस्ती कर रहा है यार, तू मस्ती कर रहा है, तू झूठ बोल दे, आज का दिन बहुत tough था मेरे लिए, तू बता दे कि मस्ती कर रहा है, पर ठीक है। सो दैट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग। तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर वॉज वेस्टेड, मैं उनके वो बहुत कम टाइम के लिए थी, उनके लिए ज्यादा कुछ करने को था भी नहीं, लेकिन एक और ज्यादा बड़ा वेस्टेज हम सबको बताया किसका है, बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी, नहीं सर नहीं यार, उनसे ज्यादा किसका वेस्टेज हुआ बताओ, नहीं मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा, वेस्टेज तो ठीक है मैं समझ गया कि आप वेस्टेज क्यों कह रहे हो, पर उन्होंने जितना ओवर कॉम्पनसेट तो कर दिया था, क्योंकि उनके डायलॉग्स नहीं है, वो गूंगे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है, तीन सीन्स के लिए है भाई साहब, तीन सीन्स के लिए ही आते हैं, लेकिन उन्होंने फाड़ दिया है। उनका जो पहले एंट्री होता है, रणबीर कपूर एकदम होपलेसली या फिर टायर होके बैठा हुआ, और जो ऐसा एडिटिंग में कट आता है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हंसते हुआ, हाँ जो जमल जमालू जो सॉन्ग अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, आई होप इंस्टाग्राम रील वो मेरे लिए रुइन ना कर दे भाई, हर दूसरा आदमी जमल जमालू सुन रहा है। देखो म्यूजिक के बाद तो हम बात नहीं करेंगे। सो या बॉबी देओल, हाँ बॉबी देओल, एक तो डायलॉग्स नहीं है तो इट इटसेल्फ मेक्स के एक एक्टर के लिए एक टास्क और बढ़ गया है, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है, फुल्ली एक्सप्रेशन बेस्ड एक्टिंग। यस, और मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि संदीप रेड्डी वांगा ने उनको हायर क्यों किया था,
वो पता नहीं एक्टर्स का पता है क्रिकेट एक क्रिकेट लीग है हाँ, एक्टर्स वाली हाँ, तो उसके अंदर एक फोटो देखा था रेड्डी वांगा जी ने कि वो ऐसे एकदम सीरियसली बैठे हुए हैं एकदम वो जो एक्सप्रेशन है ना वो रेड्डी जी को बहुत पसंद आ गया था तो उनके उस फोटो के बेसिस पे उन्होंने उनको कास्ट किया कि कैन यू रिक्रिएट दिस एक्सप्रेशन लिटरली मतलब क्या क्या सोच के ये सब और इनफैक्ट हाँ ये कास्टिंग का एक स्टोरी तो मेरे को भी पता है कि ये जो अब भी आज मैंने पढ़ा उपेंद्र लिम्मी है जिन्होंने प्ले किया है वो फ्रेडी का कैरेक्टर जो गन्स बेचता है हाँ 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 तो उन्होंने उनके पास गए थे ये कास्टिंग डायरेक्टर और उन्होंने कहा कि एक एक सीन करना है तो मैं एक सीन नहीं करता एक सीन से मेरा कुछ नहीं होगा तो बाद में दो तीन महीने बाद उनको वापस एक दो बार फोन किया उन्होंने और बाद में उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट की कि नहीं प्लीज संदीप जी को ही आप संदीप जी ने आपका ही नाम लिया है और आप ही चाहिए उनको ऐसा तो बहुत ऐसे गिड़गिड़ाने के बाद मतलब ऑफ कोर्स आई एम एग्जैजरेटिंग बट काफी मेहनत के बाद उनको प्रोक्योर किया था एज एन एक्टर और क्या एक्टिंग करते हैं भाई वो सचिन लिमी है वो फ्रेडी जिन्होंने चड्डी दी थी चड्डी वाले अंकल जिन्होंने अपनी चड्डी दे दी थी वो पक 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 खिलौना बेचने गया मैं तो अमेजिंग था भाई वो बहुत ही भाई वो इतना सा बंदा है और उसके सामने पंजाबियों की ड्रीम इलेवन है और ये तुम्हारा कैप्टन कौन है भाई और वो मतलब वो जो है ना जो ड्रग्स क्या मतलब बंदूक बेचने वाला ये किसका आइडिया था हमारा इंजीनियर पागल हो गया सुन के भाई ये गन का आइडिया सुन के मस्त था भाई बहुत बहुत सही और आत्मनिर्भर भारत मैंने कहा वो बेस्ट था भाई भाई मेरे थिएटर में तो सीटियां बजने लगी थी अमेजिंग मेरे क्या मतलब हम साथ में गए थे नहीं तू दूसरी बार गया था ना हाँ दूसरी बार गया था मैं वो फ्रेंड्स के साथ गया था तो वो एक्सपीरियंस भी काफी अलग था हाँ वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका फिल्म का एक्सपीरियंस आपके कौन से ऑडियंस के बीच में बैठ के देख रहे हो वो काफी ऑडियंस की बात हो ही रही है तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि पापा और सन के रिलेशन पे जो फिल्म है वो आप पापा के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते तो वो काफी और मैं इसके साथ गया था और हम लोग मूवी देख रहे हैं फर्स्ट हाफ खत्म हुआ भाई पापा के साथ आ रहा हूँ ये मूवी देखने तो मैं जैसे ही सेकेंड हाफ चालू हुआ भाई पापा के साथ नहीं आ रहा मैं देखने नहीं आ रहा भाई मतलब क्या कहते हैं पहले से सोच के रखा था कि ये आनंद रहता है हम मैं यहाँ वडोदरा में रहता हूँ तो ऐसे क्या हम सोच रहे कि तू वहाँ पे देख लेगा मैं यहाँ पे देख लूंगा तो पापा के साथ मैं सोच रहा माइक अपने पास मतलब पापा के साथ मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे देख लूंगा ये वहाँ अपने साथ देख लेगा फिर यहाँ के वीडियो बना देंगे फिर पता नहीं ऐसे कुछ संजोग होगा कि हम साथ में ही देखने चले गए तो जैसे मैंने कहा मैंने इसको कहा कि मैं पापा के साथ देखने आने वाला हूँ ठीक है फिर जैसे इंटरवल है मैं नहीं आ रहा पापा के साथ देखने भाई मैं नहीं आ रहा मेरा हो गया भाई और जैसे पूरी पिक्चर खत्म हुई मैं बिल्कुल नहीं टीवी पे तब भी ना देखूं मैं तो टीवी पे तो आने से रही मेरे हिसाब से टीवी कट पे ओके, कितना कट करेंगे क्योंकि जो आरेटेड फिल्म्स तो क्या आधा घंटा रहेगा क्या पिक्चर में क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं लोग तो बोल रहे आधा घंटा तो कट करना चाहिए था क्यों उसके ऊपर एडिटिंग सॉरी आई एम जंपिंग द गन गाइस सॉरी हाँ पे था मैं पापा के साथ नहीं देख सकते हाँ 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 उदय था तो और टीवी पे क्या कहते हैं आरेटेड पिक्चर्स आती है टीवी पे लेकिन वो कट करके आती है थोड़ी तो अभी मैं थोड़ी नहीं काफी मतलब काफी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ हॉलोमैन करके एक मूवी थी यस 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 हाँ वो तो बहुत ज्यादा उसमें एक्सप्लिसिट सीन्स बहुत ज्यादा है और उसमें जब इस पे आई टीवी स्क्रीन पे आई एम फंबलिंग बट टीवी स्क्रीन पे जब आई ना तो काफी कट हो गया था तो उसमें आधा घंटा जितना कट कर दिया था फिल्म में से तो उस फिल्म में कुछ बचा नहीं था एक मार्वल की फिल्म आई थी बहुत पहले ब्लेड करके वैम्पायर्स पे एक सुपर हीरो टाइप फिल्म थी उसका फिल्म जो थिएटर में थिएट्रिकल कट आई थिंक 2 hours एंड समथिंग था टीवी पे 1 hour 10 minutes बाप रे मतलब आधी पिक्चर काट दी उन लोगों ने तो नो वंडर मतलब कि ये जो डायरेक्टर्स हैं उनको संदीप रेड्डी वांगा का जो इंटरव्यू था अभी रिसेंटली उस नहीं रिसेंटली नहीं कबीर सिंह के टाइम पे उन्होंने कहा था कि तू ए सर्टिफिकेट दे बस हो गया ना ए सर्टिफिकेट दे दिया अब मेरी पिक्चर पे कैंची मत चलाना यस यस देखो अभी ए सर्टिफिकेट दे ही रहे हो तो काट क्यों रहे हो और अगर काटना है तो यूए सर्टिफिकेट दे दो हाँ और इससे इससे मेरे को एक और याद आई बात कि अगर ए सर्टिफिकेट है हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में तो उसमें काफी सारी गालियां हैं और हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि ये एडल्ट मूवी है तो इसमें गालियां तो देंगे पर वो काफी जगह पे उन्होंने बीप कर दिया आई एम नॉट सपोर्टिंग गालियां
मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो चाहता है कि गालियों के बिना आप जो कन्वे करना चाहते हो वो कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि ये स्टोरी ही ऐसी है, स्टोरी या फिर वो जो कैरेक्टर है। और नहीं तू ऑनेस्टली बता, अगर तू किसी के साथ फाइट करने जा रहा है तो थोड़ा एग्रेशन तो रहेगा, थोड़ी गालियां निकलेंगी। और तू भाइयों के साथ कैसे बात करता है? भाइयों के साथ तो कभी कभी निकल जाती है ना, तो दैट इज वेरी नेचुरल, दैट वुड हैव बीन वेरी नेचुरल, पर उन्होंने बीप कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब उससे कोई ऐसे कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं है। पर तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके सिनेमेटोग्राफी, मैं शुरुआत ही करता हूँ फोटो खींचने वाला जो सीन है। जैसे ये वो फोटो खींचते हैं, उसके अंदर कोई डायलॉग्स इतने हैं नहीं, और जो लास्ट फ्रेम आता है रणबीर कपूर सबसे अलग खड़ा हुआ है, बाकी इस पूरी फैमिली अलग खड़ी हुई है, जो इट्सेल्फ एक स्टोरी टेलिंग है कि विदाउट एनी थिंग सेइंग आप बहुत कुछ दिखा रहे हो कि वो मेंबर है फैमिली का, लेकिन अब थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया है। डिस्टेंट से ज्यादा वो क्या कहते हैं, फैमिली वाला एक अलग चीज होती है, और एक लोन वुल्फ अपन कहते हैं ना, लोन वुल्फ। लेकिन उसमें वो वाला भी सीन हो गया ना कि जब वो फोटो खिंचाने आया था पापा की 60th बर्थडे पे, वो इट वाज आफ्टर 8 years, तो 8 साल में वो थोड़ा चेंज हो गया, मतलब अपनी फैमिली से इतना क्लोज नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंट भी खड़ा है। और आई थिंक ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज मतलब ही रिकॉग्नाइज हिज फादर एज हिज फादर, बट आई एम सेइंग कि एक दरार थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, दरार थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। और उसका जो जीजा जी है उसके साथ उनका जस्ट फाइट हुआ था, फाइट के बाद आने वाली फाइट होने वाली होती है। अच्छा ओके सॉरी, होने वाली आई डोंट रिमेम्बर दैट। इवन वो फाइट की सिनेमेटोग्राफी ऐसे, मतलब कैमरा आ रहा है केक को रिवॉल्व करके वहां पे जाता है, और फिर अचानक से उसकी एंट्री होती है जो उसका जो जीजा है। मैंने कहा ये क्या है भाई, स्टेजिंग सिनेमेटोग्राफी और क्या कहते हैं जो सेट डिजाइन है। और इवन सिनेमेटोग्राफी में वो क्या कहते हैं रणबीर कपूर को फॉलो कर रहा है वही केक वाले सीन में, अरे नाम क्यों है, वो खा जाता है भाई। नाम क्यों लिखा है, मतलब सबको पता है किसकी बर्थडे है। ऑफ कोर्स इतना ऑब्सेस्ड है वो अपने पापा से। यस, ऑब्सेशन का एक और है कि हाँ वो रणबीर कपूर माफी मांगने आता है अपने जीजा से, पैर छू के वो ठीक है, तो वहां पे वो जीजा बहुत पापा पापा कर रहा होता है, और वो चले जाने के बाद बोलता है ये क्यों पापा बोल रहा है, सबका मिक्सचर बहुत ही अच्छे से हुआ इसके अंदर। और सिनेमेटोग्राफी का एक एग्जांपल वो एक ट्रैकिंग शॉट था जब यंग रणबीर कपूर अपनी बहन को किसी ने छेड़ा होता है तो फिर वो बदला लेने जाता है, बंदूक भाई ऐसे बंदूक नहीं वो ठीक है, वो बंदूक फायर करके बाद में वो लोग जा रहे होते हैं घर पे, तो मतलब उसमें फिर ऐसा होता है कि वो दो गैंगस्टर्स जो बाइक में है वो लोग आगे जा रहे हैं और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और पीछे से फ्रेम में गाड़ी आती है। वो बहुत ब्यूटीफुल था। और सिनेमाटोग्राफी का दूसरा एक एग्जांपल अच्छा सा देना हो तो मेरे हिसाब से तो जो लास्ट सीक्वेंस है जिसमें फाइट होने वाली थी, जस्ट फाइट के पहले वो लोग अब्रार अपने भाई के साथ फ्लाइट में कहीं भागने वाला होता है, और वो लोग 3 जी वैगन ब्लैक कार्स लेके आ जाते हैं, वो सर्कल अराउंड करते हैं और बाद में रुक जाते हैं उनके सामने, वो काफी अच्छा था। इट वाज लाइक 2-3 छोटे पंछियों ने एक बड़े पंछी को रोक लिया है। एंड दूसरा कि उसमें जो सबसे क्लीन गाड़ी थी उसमें रणबीर था, और बाजू वाली जो कार थी उसमें, तो मतलब उसमें कहने की भी जरूरत नहीं थी कि रणबीर कौन सी गाड़ी में होगा। yes, क्योंकि yes, वो yes. बीच वाली गाड़ी में होगा और सबसे क्लीनेस्ट गाड़ी में होगा। सिनेमेटोग्राफी में एक्शन सीक्वेंस जो है, मतलब वो जो कॉरिडोर फाइट सीन, उसके अंदर क्या कहते हैं कैमरा एक ऐसा सीन आता है कि रणबीर कपूर नीचे गिरा हुआ है और कुल्हाड़ी से लोग ऐसे मारते हुए आया था, उसके पैर पीछे लेता है वो, मालूम है? मैंने कहा ये क्या है भाई, मतलब कितना रियलिस्टिक भाई। वही आप हर बार ये नहीं कि मतलब एक हाथ से ही कुल्हाड़ियां भी रोक लोगे, ऐसा नहीं होता। साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर है लेकिन मतलब इतना इंस्पायर्ड नहीं है। अरे मूवी का सेकंड हाफ तो उसकी रिकवरी पे है भाई। एग्जैक्टली उसको लगा तो वो रिकवर कर रहा है भाई, बाकी दूसरे साउथ के फिल्म रोक दिया, अरे चलो फिर से अभी कुल्हाड़ी लिया मार दो। तो इसके अंदर वो क्या है, एग्जैजरेशन विथ रियलिज्म बहुत अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, और ये तो सिनेमेटोग्राफी की आई थिंक बात। एक और है जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि रणबीर कपूर और अनिल कपूर का जो एंड में जो बात हो रही है,
एक ऐसा शॉट है कि रणबीर कपूर कैमरा को फेस कर रहा है और पीछे से अनिल कपूर उसको बोलते बोलते आ रहे हैं, तो वो जो इमोशन दिख रहे हैं ना दोनों के साथ में सिनेमाटोग्राफी में, कोई इतना मूवमेंट नहीं है, एक स्टैटिक फ्रेम है और उसके अंदर भाई इतनी अच्छी चीजें, मतलब क्या कहते हैं, एक इमोशन उन्होंने कर रहा है। हाँ, और उन्होंने सेट डिजाइन काफी अच्छा किया है उसमें, तो सिनेमाटोग्राफी खुद भी एलिवेट हो जाती है। और सेकंड हाँ, लेकिन एक बात है, हमने अभी तक बोला नहीं कि ये पैन इंडिया फिल्म है, राइट? इट हैज रिलीज्ड इन 5 लैंग्वेजेस। यस यस यस, मैं कहना चाहता हूँ दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पैन इंडिया फिल्म। अगर पैन इंडिया फिल्म आप किसी फिल्म को बोल रहे हो तो एनिमल इज द वन। ओके, यस यस, बिकॉज आई टेल यू, इट्स अबाउट अ पंजाबी फैमिली डायरेक्टेड बाय अ साउथ इंडियन डायरेक्टर, एंड जब वो अपने भाइयों के साथ फाइट कर रहा होता है वो कॉरिडोर वाले सीन में हेडफोन पहन के, तब मराठी गाना चल रहा है। मराठी गाने पे पंजाबियों को फाइट करवाने वाला साउथ इंडियन डायरेक्टर तो आप सोच सकते हो कि मतलब इट्स हिटिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, यू नो, क्योंकि सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं। सॉन्ग गाने वाला अरिजीत सिंह है, वो बंगाली है। सो इट इज amazing. हाँ, totally pan India. I loved it. और अब हम बात करते हैं editing के बारे में। editing की काफी ज़्यादा criticism हो रही है, पर मेरे हिसाब से personally editing was not that bad. हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने non linear थोड़ा और ज़्यादा किया होता second half में किया होता तो better रहता मेरे हिसाब से। और उसके अलावा आई थिंक editing की मेरे पर्सपेक्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, सेकेंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड लगा, वो बेसिकली तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर पूरा निग्लेक्ट कर देते ना, तो भी कोई और तरीके से पता चलता कि कौन इन सब के पीछे करवा रहा है। नहीं, हाँ, मतलब तृप्ति को ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, यू नो। और हाँ, दूसरा कि तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर ने एक पॉजिटिव चीज मेरे लिए कर दी कि जब वो तृप्ति के कैरेक्टर के साथ सो रहा था, ठीक है, तो फिर वो फर्स्ट हाफ में बोलता है कि भाइयों वैसे ऐसे क्या बोलते हैं, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अपनी बीवियों को पता है क्या, घर पे पता है क्या, ऐसा वैसा। और रश्मिका को भी बोलता है कि आई विल नेवर चीट ऑन यू और ये सब, लेकिन सेकेंड हाफ में करता है। तो फर्स्ट हाफ तक तो ही वॉज अ हीरो फॉर मी, ओके, बट जैसे उसने तृप्ति के साथ जो भी किया जो नहीं करना चाहिए था, उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई आई एम डन, उसके बाद वो मेरे लिए एंटी हीरो हो गया था। yes, उस yes, पॉइंट के बाद मतलब आप रणवीर जैसे इंस्पायर, मतलब वो इंस्पायरिंग कैरेक्टर है भी नहीं, उससे आप क्या क्या टेक अवे करोगे, मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो ही। इवन ये क्या कहते हैं, डायरेक्टर का आई थिंक यही सोच रहता है कि उसके कैरेक्टर्स या फिर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसे बनाता है कि उसको कोई एडमायर क्यों ही करेगा। वैसा है, इवन कबीर सिंह ले लो, ड्रग्स दे रहा है, या फिर संदीप रेड्डी वांगा एक्सेल्स इन टेलिंग स्टोरीज अबाउट फ्लॉड कैरेक्टर। यस यस, अभी तक तीनों फिल्म्स में से और दोनों स्टोरीज में से एक भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है। कबीर सिंह में लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसको एंड में प्रीति मिल जाती है, सो आपने इनफ वो नहीं दिखाया, यू नो, एंड में तो उसका अच्छा ही हो रहा है। लेकिन इस मूवी में यस टेकन द फीडबैक, और इस मूवी के एंड में हमें पता नहीं है कि अनिल कपूर का कैरेक्टर मर जाता है या नहीं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, पर रश्मिका का जो कैरेक्टर है वो रणबीर बैठा होता है स्टेयर्स पे और छोड़ के जाने वाले, शी इज टेलिंग कि आई एम गोइंग और बच्चों के साथ मैं जा रही हूँ, और उस मोमेंट पे आपको पता चलता है कि भाई मतलब ही इज रियली रिग्रेटिंग व्हाट ही हैज डन, क्योंकि भले ही वो सुन नहीं रहा रश्मिका की बात उस पॉइंट पे, पर उसको सब कुछ रजिस्टर कर रहा है वो कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, एंड ही इज नॉट इवन स्टॉपिंग रश्मिका बिकॉज ही थिंक्स दैट जो भी कर रही है गलत नहीं कर रही, कि मेरी गलती है। यस, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, ही इज लाइक एक्सेप्टिंग कि अब जो गलती की है मैंने अब उसका भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ऐसा है उसका। मतलब बॉबी देओल की एंट्री वाला सीन जो ऊपर जा रहा है भाई, वो मतलब कैसे, वो इतना सोचा कैसे होगा, इतना सिंपल ट्रांजिशन, और वो सबसे बड़ा एलिवेटिंग विलन, नहीं सबसे बड़ा विलन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बस ऐसे ही स्माइल कर रहा है और हाँ इंट्रोड्यूस हो गया। एडिटिंग में जो क्या काफी अच्छा था वो एडिटिंग में, जो एक्शन सीक्वेंस है
जैसे कि जो मैंने कहा ना पैर वाला के बचा है, मैंने दो बार ऐसे पैर ऊपर कर लेके मेरे को ना लग जाए, मेरे को ऐसा फील हो रहा था जब मैंने देखा था वो वाला सीन जो पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारते है। एडिटिंग एक और सीन आता है कि सब लोग डर रहे हैं और रणबीर कपूर को ज्यादा नहीं दिखाते, वो लोग भागते हुए आ रहे हैं उनके पीछे पीछे रणबीर कपूर आ रहा है। अरे भाई साहब भाई शेर आ रहा है, बहुत एक्चुअली में शेर आ रहा है और उसके बाल भी ऐसे ही थे शेर की तरह। एडिटिंग में हाँ एडिटिंग में एक और चीज है कि कट नहीं कर रहा है ब्रूटैलिक जब आ रही है। नहीं, हाँ उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। देख मैं बताता हूँ, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे ब्रूटैलिटी हाइड करनी है उसने हाइड भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने जीजा को मारने जाता है राइट, हाँ, तो जीजा को जब मारता है और वो मर चुका है, उसको स्ट्रैंगल कर दिया उसने उसने मार दिया है गला घोट के, उसके बावजूद वो गोली मारता है और हमें ये दिखाया नहीं है उसकी कि उसके मुंह पे लगी है उसके बॉडी पे लगी है, सिर्फ बैकग्राउंड में जो जो सीट्स हैं वो उनके ऊपर कवर के ऊपर लाल धब्बे, हाँ उनके कवर के ऊपर लाल धब्बे हैं, तो उससे पता चल जाता है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होने वाला है। इवन नहीं तो यूजुअली जो आर रेटेड मूवीज बाहर की होती हैं उसमें आर रेटेड, हाँ उसमें कि ऐसे क्या बोलते हैं ब्लड ब्लड निकल रहा है कि ब्रेन के कुछ चीथड़े चीथड़े उड़ रहे हैं ऐसा सब, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं थी, जहाँ पे जरूरत थी उसने दिखाया है। ऊपर से वो जो कैरेक्टर है ना कि जीजा को मार रहा है भाई वो अपने, तो उसका जो फ्रेमिंग है ना वो पता है कैसा है, उसके पैर को स्ट्रगल करते हुए दिखाया है, चेहरे को सफोकेट कर रहा है वो नहीं दिखा, उसके फेस के ऊपर फोकस ही नहीं है ना, उसके पैर के ऊपर कैसे पैर, वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए ऊपर से दिखाते हैं कि उसको स्ट्रैंगल कर रहा है, फिर उसके बाद एकदम पैर पे आ जाता है, फिर पैर चलना बंद हो जाते हैं, फिर पता और हमें पता जाता, हाँ ऐसे ही पता चल जाता है कि वो मर गया। सो दैट इज गुड विजुअल स्टोरी टेलिंग के एक्चुअली सिनेमा और इवन थिएटर में भी एक टर्म होता है डोंट टेल शो, तो शो जो करना होता है जो दिखाने वाला जो विजुअल मीडियम है उसको बहुत अच्छे से मतलब दिखाया है इन लोगों ने। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस फिल्म का है वो म्यूजिक है। म्यूजिक के बारे में मेरे पास बहुत ज्यादा ओपिनियंस है, उसमें आई गेस 8 songs है पूरे एल्बम में, और वो मराठी वाला गिनो तो शायद नहीं वो नहीं गिन रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक का उन्होंने अभी तक बॉबी देओल, हाँ बॉबी देओल का बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है रिलीज किया है, लेकिन वो जो फाइट सीक्वेंस था वो नहीं किया, और दूसरा जब रणबीर कपूर की एंट्री होती है वो म्यूजिक बहुत सही है, मतलब उसमें छोटी सी आशा का रीमेक किया है उन्होंने, और इनफैक्ट जिसने रिमिक्स किया है ना वो कैरेक्टर वो भी बंदा बैंड में प्ले कर रहा है, जो वायलिनिस्ट है ना जिसको है उसके पीछे जो बजा रहे हैं, थियरी बैंड करके उनका बैंड का नाम है, उनके काफी वीडियोस मैंने मतलब ढूंढने की ट्राई की पर इतने मिल नहीं रहे, पर उन्होंने थियरी बैंड ने भी जो बीजीएम वाला म्यूजिक है ना वो अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, तो आप वाइब कर सकते हैं उसके साथ। नाइस। तेरा कौन सा फेवरेट सॉन्ग था इन पूरी एल्बम में से? अर्जन वैली हैंड्स डाउन, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार मैं सोचूंगा भी नहीं। और इंटरेस्टिंगली मेरे को पंजाबी सॉन्ग्स इतने पसंद नहीं है, मतलब नो हेट फॉर एनीवन, बट मेरे को पर्सनली पंजाबी सॉन्ग्स इतने पसंद नहीं है, वो मेरे को कभी कभी थोड़े ओवर हाइप लगते हैं, बट ये इसने मेरे लिए बहुत परफेक्टली काम किया। नहीं सुन और मैं दिन में 5 बार सुन रहा हूँ ये सॉन्ग, पता है सुबह को सुन रहा हूँ, दोपहर को सुन रहा हूँ, रात को 4 बार सुन रहा हूँ, और मतलब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। देखो पंजाबी सॉन्ग्स का पता है थोड़े टाइम पहले क्या हो गया था कि वो बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेशन हो गया था, मतलब कोई चीज ज्यादा आपको मिलती है ना तो उसकी क्या कहते हैं वैल्यू कम हो जाती है, और दूसरी बात ये थिकल कल्चर आ गया ना, क्योंकि उसने हर दूसरे सॉन्ग को मेरे लिए बिगाड़ दिया यार। यस भाई, जो डर लग रहा है हमको कि ये जुबालू हमारे लिए बिगड़ ना जाए। एग्जैक्टली हर दूसरा आदमी जमल कुडू पे रील्स बना रहा है, रील्स देख रहा है, इट्स इरिटेटिंग। हाँ, अच्छा सॉन्ग होने के बावजूद भी हम उसको हेट करना शुरू कर देते हैं, बात ये है। Exactly, मतलब तुम 100 बार सुनोगे तो फिर तो हेट ही करोगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा पापा नहीं हुआ मैं, अच्छा नहीं मतलब प्लेन वाला, प्लेन? मैं बोल रहा हूँ हुआ मैं, जो प्लेन वाला सीन है उसमें जो शादी करते हैं वो लोग कश्मीर में या जो भी समथिंग लाइक कश्मीर बोलता है वो, तो फिर उसमें हुआ मैं बचता है वो काफी अच्छा लगा मुझे। फिर तृप्ति दिमरी के साथ और रणबीर कपूर जब होता है तो एक और सॉन्ग उसका नाम मैं भूले जा रहा हूँ, पहले भी मैं वो बहुत अच्छा सॉन्ग था, एंड पापा मेरी जान तो है ही, लेकिन एंड में जब फाइट होती है वो म्यूजिक कैसा लगा तेरे को? नहीं हाँ
बीपराक वाला उसका नाम क्या था, सारी दुनिया जला देंगे, सारी दुनिया जला देंगे। तो वो कैसा लगा? मैं देखो इंटीग्रेशन उसका अच्छा लगा या फिर वाज इट अ मिस फॉर यू? जब लोग कह रहे थे कि इट डिड नॉट वर्क फॉर देम, आई कुड नॉट रिलेट, बिकॉज मेरे लिए काफी अच्छे से वर्क किया। बिकॉज जो सॉन्ग है वो पापा के पर्सपेक्टिव, मतलब बेटा अपने पापा को बोल रहा है कि अगर सब कुछ ही मिटा देंगे तुझे हो गया कुछ तो ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से वो म्यूजिक जो बैकग्राउंड में था वो रणबीर के माइंडसेट को पोर्ट्रे कर रहा था कि जब वो फाइट कर रहा है तब उसका माइंडसेट क्या है। और इवन बीच में एक सीन भी आता है, वो हम लोग फाइट से कट हो जाते हैं और छोटा सा सीन है जिसमें पापा को रणबीर को अनिल कपूर को गोली लगती है। तो वो याद कर रहा है कि पापा ने मुझे ये कहा था कि पहली गोली लगी थी तब मेरे को तेरा ख्याल आया कि पापा वॉच आउट, लेकिन दूसरी गोली लगी तब पता चला कि मैं अकेला हूँ। वो रियलाइजेशन पता है कब होता है? जब अपना हीरो हारने लगता है, वो गले में होता है पता है ऐसे दबा के, फिर उसको याद आता है, फिर उसको और ज्यादा बूस्ट मिलता है, फिर जाके वो उसको होता है कि भाई मैं हार तो बिल्कुल नहीं सकता। और इवन वो जो है ना उसके अंदर जो म्यूजिक चल रहा है ना, और जब वो पूछता है कि देख तू मेरा भाई है ठीक है, तू बोल दे वो थक गया है। इवन वो दो लोग जो पंजाबी जो ब्रदर्स है वो आते हैं, लेट आते हैं, तो ये क्या हो रहा है? तो क्या भाई दो घंटे से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, तो हमें तब पता चला कि दो घंटे से फाइट चल रही है वही। सो और जब ये सारी चीजें हो रहे हैं तो पीछे जो म्यूजिक चल रहा है ना वो सॉन्ग ही चल रहा है अभी भी, और वो इतनी अच्छे से इंटीग्रेट किया या फिर वो एडिटिंग इतनी अच्छी हुई, जो बीट्स पे एडिटिंग हम किया तो काफी अच्छी की है, बहुत ही अच्छी की है। म्यूजिक का एक और कहूंगा, जैसे ही जो एंड एकदम एंड जैसे ही अनिल कपूर कहता है कि तू पापा बनना मैं बेटा बनूंगा, उसके बाद जब वो जैसे कट टू रणबीर कपूर का रोने का शॉट, कट टू एकदम तब पापा मेरी जान, मेरी जान। और वो सीन की ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ, वो सीन की ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ कि रणबीर कपूर और उनका जो फाइट हुआ है, और फाइट होने के बाद उनका मतलब ऐसे पैचअप भी हो गया है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब रणबीर कपूर रोता है लिपट के, तो ऐसे जूम आउट होता है और मेरे को लगा था कि ये अनिल कपूर से ऐसा लिपट के रो रहा है, लेकिन जूम आउट होता है और पता चलता है कि शक्ति कपूर है। वो इतना हार्ड हिट किया ना मेरे लिए, बहुत हार्ड। अपने पापा को अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना, वल्नरेबल साइड दिखाना नहीं चाहता, या तो फिर मेरे को तो ऐसा हो गया था कि पापा मर गए, पर आई डोंट थिंक ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास उसका भी लॉजिक है गाइज। अगर आपको लग रहा था कि अनिल कपूर मर गया है, तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि उसको लुकीमिया हुआ है और ही सेड कि ही हैज 3 to 6 months, और ये जो रिपोर्ट है वो एक दिन पुरानी थी। ओके तो अगर एक दिन पुरानी है तो उसी अगले दिन तो मरेगा नहीं ऑन द स्पॉट। तो मेरे हिसाब से ये सीन ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि जब उसके पापा नहीं थे तब शक्ति कपूर का कैरेक्टर रणबीर का पापा था, मेरे हिसाब से फादर फिगर, क्योंकि उनसे वो काफी खुल के बात करता है पूरे फिल्म में। एग्जैक्टली, अरे कैसा है चैंप, मतलब तो वो काफी हार्ट वार्मिंग लगता है कि बचपन से वो उनके साथ ज्यादा रहा है। Exactly. ये ज्यादा शो कर रहा था। चल हम क्या कहते हैं अमेरिका की बातें करते हैं, और वो काफी अच्छा लगता है कि दोस्त है। हाँ, और मतलब उनका एज है, उनका एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ सीख रहा है अब अपने अंकल से, बहुत फैंटास्टिक था। और म्यूजिक की बात करें तो हाँ, वो लास्ट सीन की बात करते हैं जब वो फाइट कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, उसके पीछे जो जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो एनिमल का ही थीम है, बहुत सही था म्यूजिक ही, उसने मतलब इतना एम्पलीफाई कर दिया ना मेरे लिए। इवन थिएटर में तो इवन बेटर लग रहा था, जैसे हमने ट्रेलर में जब देखा था मैं तो वैसे भी माइंड ब्लोन हो गया था जब ट्रेलर में आया, लेकिन थिएटर में तो और भी ज्यादा हिट किया। साउंड म्यूजिक तो नहीं, लेकिन एक साउंड डिजाइन की बात करूंगा, जब वो बोलता है ना सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं, तो जब एंड का होता है तब वो आवाज गूंजने लगती है, थोड़ी गूंजने लगती है, उसको और एलिवेट करते कि भाई अब कुछ सीरियस चीज हो रही है भाई, अब थोड़ा सीरियस हो रहा है मामला भाई। हाँ, तो वो एक टेंशन को फील करवाता है। हाँ, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक की ही बात कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर मैं कहना चाहूंगी कि बैकग्राउंड म्यूजिक हर मतलब ऐसा नहीं है कि काफी मूवीज में ऐसा होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक काफी सेम टू सेम रहता है थ्रू आउट द फिल्म। इसमें ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक अलग होता है, मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक बदल रहा है। जब वो फाइनली बॉबी के साथ फाइट करने जाता है, उसके पहले जब मतलब प्लेन में चढ़ने वाले होते हैं तो वो विसल वाली साउंड आती है जो टीजर में थी, वही टीजर वाला, तो आई वॉज लाइक आई वॉज वेटिंग थ्रू आउट द फिल्म की ये सीटी कब बजेगी भाई, ऐसा ही कुछ है। इवन वो जो टीजर की बात करते हैं ना, मैं टीजर से इतना हुक हो गया था कि ये तो देखनी है भाई, क्योंकि टीजर में वो सीटी बज रही है
और पीछे नरेशन चल रहा है, नरेशन चल रहा है, और वो नरेशन किस चीज का था? जो बेटे ने लिखा था अपने पापा के बर्थडे पे, पापा आप अगले जन्म में मैं आपका पापा, आप मेरा बेटा, और बाद में नेक्स्ट जन्म में आप मेरा पापा और मैं आपका बेटा, फिर आप सीख जाना कि प्यार कैसे करते हैं, आप मेरी तरह मत करना, मतलब ऐसी तरह कैसे करना, बहुत ज्यादा। और जब वो एंड में अनिल कपूर बोलते हैं तो वो और ज्यादा हिट, मैं रो देता, मैं ऑलमोस्ट रो ही दिया था। इनफैक्ट आई विल टेल यू, द सेकंड टाइम आई वेंट विद माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, ही स्टार्टेड क्राइंग। मैंने सेकंड टाइम भी रोक लिया, लेकिन उसको देख के फिर मेरे को और ज्यादा हो गया था कि भाई हर कोई नहीं रोक पाता। मैं तो थोड़ा अभी ऐसे सीख गया हूं रोना, मतलब थिएटर में एक्चुअली इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि रोना कब है, इमोशंस कंट्रोल कब करना है। तो मेरा इमोशन अभी थोड़ा ऑफ चलने नॉर्मल, इमोशनलेस कोल्ड हार्टेड हो गया है। नहीं मतलब होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक में एक और सॉन्ग मैं भूल गया, कौन सा वाला? सतरंगा काफी अच्छा सॉन्ग है, जो वो लोग फाइट करते हैं रश्मिका और रणबीर की, जब फाइट होती है उसके बाद बजता है, जब उनका पैचअप कह सकते हैं वो। ऑनेस्टली लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है कि जब लोग फाइट कर रहे हैं उसके बाद उनका पैचअप हो जाता है, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि रश्मिका ने एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद एंड में जब वो जा रहा होता है कि मतलब रश्मिका नहीं सॉरी गीतांजलि, अगर मैं वापस नहीं आया तो शादी मत करना, वो तो एब्सोल्युटली मतलब क्या बोलते हैं लोगों को ट्रिगर करने के लिए ही था वो सीन। तो मतलब वो कैरेक्टर ही ऐसा है, तुम उससे और क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो क्या बोलता है वहाँ पे? हाँ, ये किसी ने नहीं बोलता वहाँ पे। हाँ, किसी ने मेरे को कहा था, किसी ने नहीं, ये एक पॉडकास्ट देखा था, आई गेस शान पराशर का पॉडकास्ट है, जिसमें पीजे एक्सप्लेन्ड भी आया था। अच्छा। तो उसमें वो बोलता है कि भाई तुम बंदर से एक्सपेक्ट करो कि वो कूदेगा नहीं, या ऐसा ही कुछ होना ना, कुत्ते से एक्सपेक्ट करो कि भोकेगा नहीं, तो फिर तो तुम गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो ना भाई। इट्स टोटली कैरेक्टर यार, मतलब ओसामा बिन लादेन की कोई बायोपिक बन रही है और वो वहां पे ऐसे फूल फेंक रहा है लोगों पे, या फिर सॉन्ग्स गा रहा है, तो it doesn't make sense. उसके हाथ में ग्रेनेड की जगह एप्पल है, तो फिर it doesn't make sense. हाँ, exactly, no? आप ओसामा बिन लादेन से बंदूक ही एक्सपेक्ट करोगे, of course. Exactly. तो ये कैरेक्टर ही वैसा है, उससे आप बंदूक गालियां या फिर हर्ट करना ही एक्सपेक्ट करना चाहोगे। एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट हाफ में मैं थोड़ा डिसेप्टिव हो गया था कि भाई ये मतलब जैसा भी बंदा हो वैसे तो कूल है, वैसे तो कूल है, लेकिन चीटिंग नहीं करेगा, लेकिन उसने कर दी। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एक्चुअली कि मैं उसके लिए रूट करूं कि नहीं। हाँ, और आई टेल यू बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने चीट कर लिया और उसके पास कोई रीजन नहीं था। ठीक है, वो जो फाइट कर रहे हैं तब भी उसके पास कोई रीजन नहीं था, तब उसके बाद मेरे को मतलब रूट बिल्कुल नहीं करना था रणबीर के लिए। आई वॉज जस्ट रूटिंग फॉर हिम बिकॉज अब्रार वॉज वर्स। यस, उसके माध्यम से जो उनके रिलीजन में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी थोड़ा एड्रेस किया है। आई गेस मतलब उसके बारे में हम मोनोगैमी मोनोगैमी इज वन शादी। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स प्रतीक बोराडे जी कर लेंगे। नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते। हाँ, तो ये तो बात हो गई कि पिक्चर की एडिटिंग, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, परफॉर्मेंस, स्टोरी। अब थोड़ा परफॉर्मेंस पे एक्चुअली एक रह गया है, हमने बचा के रखा है, रणबीर कपूर भाई। भूल गए, सॉरी। वो अपन एंड के लिए एक्चुअली ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, हम बिल्डअप कर रहे हैं रणबीर कपूर के लिए। अभी तू तेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है नॉर्मल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थिएटर और टेक्निकली जो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे है थोड़ा। हाँ, तो पहले मैं बोल देता हूँ। हाँ, तू पहले बोले तो फिर मैं उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँ। तू अगर कोई नुआंसेस तू नोटिस किया होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल रणबीर कपूर का मेरे को कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कैरेक्टर आर्क एज इन उसका बचपन से लेके जब तक वो बूढ़ा हो गया, हमें बूढ़ा भी दिखाया है एक्चुअली इस फिल्म में, तो तब तक का पूरा जो कैरेक्टर आर्क है उसने कितनी गलतियां की है, उसने कितना सीखा है, वो सब दिखाया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हमें तो ये भी नहीं पता कि वो असली रणविजय है कि नहीं भाई, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वो है, मैं मानता हूँ। चुप रहो। हाँ, तो उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, और थ्रू आउट द फिल्म हमें फर्स्ट हाफ में तो एक्चुअली पता भी नहीं होता कि उसका नाम क्या है, हमें इंटरवल से जस्ट पहले पता चलता है कि उसका नाम रणविजय सिंह है। ठीक
ठीक है. एंड जैसे ही भाई एक घंटे के बाद उसका टाइटल कार्ड आता है कि खाना खा रहा है वो भी उस टाइम नॉर्मली खा. कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल भाई. और उसके बाद एनिमल लिखा होता है तो हम लोग तो उसको एनिमल की तरह ही जानते हैं. बिफोर वी नो द नेम जानवर है. हाँ. और जैसे उसकी रिकवरी चालू होती है सेकेंड हाफ में, तब वो थोड़ा इरिटेट होने लगता है और वो बहुत ज्यादा पेशेंस अपने पापा को भी बोलता है कि पापा पेशेंस, हम लोग बदला लेंगे, ऐसा अभी तो मारना है उसको, ढूंढना है, ऐसा सब बोलता है अपने पापा का. वो बोलता है पापा को बहुत आसान लग रही है जंग, ऐसा कुछ बोलता है. तो आई एम सेइंग कि उसके सेकेंड हाफ में देखोगे ना तो रश्मिका से भी वो इरिटेट होने लगता है, उसके मेड से भी वो इरिटेट होने लगता है, और हर जगह से इरिटेट होने की वजह से वो उसके अंदर वो गुस्सा भर गया है. उसके बाद वो सच में जानवर बन जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट हाफ में वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब वाली बातें भी करता है कि अपनी बहनों को बोलता है कि भाई आप स्वयंवर रखूंगा तेरे लिए, हाँ, और आप बहुत केपेबल हो खुद ही और ऐसा सब. फिर एंड में आके वो इतना निर्दयी हो जाता है कि अब्रार की जो वाइफ है जो प्रेग्नेंट है उसके सामने गोली चला देता है वो, और बोलता है कि ये दुश्मन की बीवियां हैं, तुम्हारी भाभियां नहीं है, तुम अगर गलत इन्फॉर्मेशन निकली तो तीनों को ठोक देना. और उससे पहले जस्ट हमने देखा था कि तृप्ति दिमरिका जब कैरेक्टर वो छोड़ के जा रहा था तो उसके भाइयों को बोलता है कि तमीज से पेश आना, समझ रहे. तो वो जो ट्रांजिशन था ना एकदम 0 to 100 हो गया मेरे लिए ऑनेस्टली, तो वो हाउ ही ट्रीट्स द विमेन. लेकिन ठीक है, मतलब आई लव्ड द एक्टिंग. थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक तो है पर आई थिंक कि उसके बारे में हम अभी और एक सेगमेंट अलग से बात करेंगे. एक्टिंग की अगर मैं, एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई मुझे रणबीर कपूर की, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर बहुत ज्यादा बोला और आपको समझ नहीं आया तो ठीक है. अब तू बता. मैं थोड़ा टेक्निकल जाता हूँ. जो रणबीर कपूर एक्टर है ना वो अपने, अगर तुम उनकी फिल्म्स देखेगा ना तो वो इतना आईब्रोज यूज नहीं करते, नहीं करता है ऐसे, लेकिन आंखें बहुत यूज करता है. देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस. ओके, अपनी आंखें यूज करता है, आईब्रोज यूज नहीं करता. आप समझने की ट्राई करो. तो मतलब जो आईब्रोज होती है ना वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसिव होती है. यस, कोई एक्टिंग कर रहे हो तो गुस्से में या फिर कुछ, या फिर रो रहे हो तो आईब्रोज ज्वाइन करके ऊपर कर ली तो काफी एक एलिवेशन मिल जाता है कि आपको जो इमोशन कन्वे करना है वो आप इजीली कर सकते हो. एग्जैक्टली. लेकिन रणबीर कपूर वो यूज ही नहीं करता, और उसको यूज करे बिना वो जो इमोशंस बनाता है इवन उसकी आवाज में, क्या कहते हैं, जब वो छोटा बच्चा होता है मतलब स्कूल में होता है तब उसकी आवाज पतली और क्या कहते, तब वो क्या कहते हैं थोड़ा एथलेटिक भी लगता है कि थोड़ा पतला सा है थोड़ा, और क्या कहते हैं उसकी एक्टिंग क्या कहते हैं बच्चे जैसी है थोड़ी. 12th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है ना एकदम अग्रेशन में टाइप, वो जो वार्म ब्लड अपन कहते हैं ना. हाँ हाँ. और जब वो बुढ़ा हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है तो कैसे एकदम धीरे धीरे चल के आ रहा है. और एक्चुअली जो दादा लोग होते हैं वो कैसे मस्ती मजाक वाली बातें करते हैं, तो वो जोक सुना रहे बंदर वाला. बंदर वाला. बस बस भाई ये फैमिली पॉडकास्ट है. ओके 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 ओके. तो मतलब हाँ, तो फिर तू कंटिन्यू कर. मतलब अगर तूने कुछ ऐसा न्यूआंस जो तूने पकड़ा हो एज एन एक्टर, क्या कहते हैं जेस्चर्स से आप बहुत बड़ी चीजें ऐसे कन्वे कर सकते हो. जैसे कि उसका जो क्या कहते हैं एक सीन है, वो उसका उसके जो जीजा है उसको मार देता है. राइट. ठीक है. हुँ. तो ऐसे वो बोलता नहीं है, ऐसे हाँ, मांग रहा है भाई. हाँ, हाँ, हाँ. उसको देखे जा रहा है कंटिन्यू से और मांग रहा है. और वो कितना रियलिस्टिक था ना कि आप किसी और का जब दम घोटने की ट्राई कर रहे हो तब खुद को भी सांस खुद की भी सांस आपकी रुक जाती है. मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर मतलब ऐसा आई थिंक इट्स वेरी रियलिस्टिक. नहीं, मैं समझ गया. और वो एक जानवर कैसे अपने प्रे के ऊपर ही नजर रखता है, वैसे अपने जीजा को ही देख रहा है और उसको मांग रहा है. हाँ, मेरे को दे. हाँ, उसके ऊपर से आंखें हटा ही नहीं रहा. हाँ, दे मेरे को. और वो बोलता है अरे मर गया भाई, वो मर गया भाई वो. और तब भी खींच करके तब भी एग्रेशन दिख रहा है कि गुस्से में कर रहा है. तो वो जो छोटे छोटे चीजें जो चीजें होती है ना वो काफी बहुत ही अच्छे से पकड़े उन्होंने. अग्रीड अग्रीड अग्रीड. और क्या कहते हैं जब वो मोटा हो जाता है तो उनका जो चलने का स्टाइल बदल जाता है. अरे भाई साहब आराम से चल रहा है. हाँ, हाँ, हाँ. और वो लैपटॉप पे बातें कर रहा है और खड़ा होकर जा रहा है तो भी फिर भाई ये मोटा हो गया भाई. हाँ. ये मोटा ऐसे ऐसे देखो कंट्रोल बना के रखना चाहिए. सो बच्चे से लेके मिडल एज से लेके ओल्ड एज तक
और इवन उसने तो एक और कैरेक्टर भी प्ले किया एंड में, उसने दो कैरेक्टर प्ले किए. एग्जैक्टली. सो आई मीन भाई और क्या चाहिए. इट ये पहला एक्टर होगा जो नेपोटिज्म का अच्छा प्रोडक्ट है. आई गेस नहीं, ऑनेस्टली नेपोटिज्म की बात कर ही रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि काफी सारे अच्छे एक्टर्स है नेपोटिज्म से आए हुए. आलिया भट्ट ठीक है, मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, बट नहीं, I cannot say that she's a bad actor भाई. उन्होंने तू उसकी ट्राइजेक्टरी तो देख, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके गंगूबाई काठियावाड़ी तक, तू सोच रहा है उसका उनका. हाँ, मैं समझ गया. इवोल्यूशन देख रहा है, इवोल्यूशन में समझ गया. वो डायरेक्टर भी हमपन को देखना पड़ता है कौन है गंगूबाई का. भाई इट्स नॉट अबाउट दैट, नो, उसका एक्टिंग चॉइसेस, मतलब क्या बोलते हैं, रोल चॉइसेस भी तो मैटर करती है. लेकिन देखो मैं सच बोलूं, मेरे को आवाज नहीं पसंद, वो नाक से बोलती है. दैट इज पर्सनल प्रेफरेंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट शी इज अ गुड एक्टर गाइस. गालियां मत देना. नहीं, गालियां तो नहीं. तो या सो ये तो जनरल बातें हो गई. अब थोड़ी सी ऑफ बीट सोशल, क्या कहते हैं, जो लोग सोशल रिस्पांसिबिलिटी. हां, डज द डायरेक्टर हैव एनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी? आई फील टू अ सर्टेन डिग्री यस, बट देन अगेन अगर तुम ए रेटेड फिल्म बना रहे हो तो देन नो. दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि अगर ए रेटेड फिल्म बना रहे हो दैट मींस कि आपकी ऑडियंस मैच्योर है. आप ये अज्यूम करके चल रहे हो और थोड़ा थोड़ा तो कॉमन सेंस आप भी लेके चलोगे कि ये फिल्म है, ये फिक्शन है, ये रियल लाइफ में नहीं हुआ. और फॉर एग्जाम्पल अभी सैम बहादुर है, ओके, तो सैम बहादुर इज अ बायोपिक ऑफ सैम मानेकशॉ. यस यस. उसमें जो चीजें दिखाई है वो 90% तो रियल होंगी और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि वो रियल होंगी, राइट? अब उससे कुछ आप सीख रहे हो, उस कैरेक्टर से आप कुछ सीख रहे हो, अच्छा या बुरा, देन दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर. बट आप बता रहे हो कि इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, इट्स अ फ्लॉड कैरेक्टर एंड इट्स एन एडल्ट मूवी, तो आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी मच प्रॉब्लम. और जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, खून खराबा, भाई क्विंटन टेरेंटिनो तो फिर वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, ये वही लोग हैं जो क्विंटन टेरेंटिनो को अच्छा बोलते हैं, उसके पैर चूमेंगे, ठीक है, और वांगा आएगा, ये क्या गाड़ी वाला है. हाँ, exactly. मतलब हाँ, इंडिया में क्यों बना रहा है भाई वही. और फिर बोलेंगे कि इंडिया में तो मतलब सिर्फ लव और रोमांस और म्यूजिक वाली पिक्चर ही बनती है. ये लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे हैं, फाइट क्लब देखेंगे तो क्या होगा इनका हाल. फाइट क्लब तो एपिटमी है, फाइट क्लब छोड़ दे, अमेरिकन साइको. और भाई भाई वो तो उनकी फेवरेट फिल्म होती है. यस, वो तो वो पसंद आती है. नंगा आदमी भाग रहा है, लड़कियों को काटता फिर रहा है, उसमें वो उनको प्रॉब्लम नहीं है. वो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना, वो हॉलीवुड की है, चुप रहो. यही तो इवन इवन जो देखो अपन लोग कहेंगे कॉपी है या फिर कुछ भी है, लेकिन उन्होंने खुद भी ये पॉइंट रखा था रेड्डी वांगा जी ने कि संजू के टाइम पे इनको क्या हो गया था. हां, संजू रिलीज हुई थी तब उसको सर पे लेके नाच रहे थे ये लोग. एग्जैक्टली. तो संजू में तो कैसे कैसे सीन है, लड़कियों को कैसे डिग्रेड किया है. एग्जैक्टली. और ग्लोरीफाई किया है बंदे ने, 300 लड़कियों के साथ सोया तो ये तो ताली बांधने वाली बात है. भाई वो कमोड़ वाला सीन, हाँ, रेड्डी जी ने खुद क्या कहते हैं मेंशन किया था एक इंटरव्यू में, जो संजू ने किया वो क्या था फिर. एग्जैक्टली. वो संजू तो संजू करे तो चलेगा, अपन एनिमल में करे तो हाँ, तू करे तो लीला, अपन करे तो भाई. हाँ, ये गुजराती प्रोवर्ब है गाइस. मेरे हिसाब से तो काफी रेवोल्यूशनरी फिल्म इससे मैं कहूंगा. यस, मतलब इतना जेनेरिक साउंड कर रहा है जब मैं कह रहा हूँ, पर लाइक ऑनेस्टली गाइस, क्योंकि ऐसी फिल्म हमने काफी टाइम से नहीं देखी. लास्ट 10 ईयर्स में आपने कौन सी एडल्ट फिल्म देखी जिसको देख के आपको मजा आई और इनफैक्ट इतनी वायलेंट और इतनी, मतलब इट्स नॉट अबाउट द वायलेंस, आई एम सेइंग कि उनका जो डायरेक्शन का तरीका था, उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी, बाकी आप देखो तो स्टोरी काफी सिंपल है, उसमें कुछ स्टोरी में yes, 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 yes. आप स्टोरी राइटिंग में आप उनको अवार्ड्स नहीं देने वाले, पर उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया, जो स्क्रिप्ट लिखी है नॉन क्रोनोलॉजी में या फिर जो, और डायलॉग्स भाई, डायलॉग्स हमने मिस कर दिया. लेकिन आप आजकल देखिए, आजकल कैसी मूवीज आ रही है, ब्रह्मास्त्र जैसी पिक्चरें आ रही हैं और उसमें डायलॉग्स के नाम पे शिवा शिवा है, इसमें पापा पापा है, लेकिन अच्छे डायलॉग्स भी तो है. उसके लिए रीजन है, वो पापा क्यों बोल रहा है. एग्जैक्टली. और हाँ, ये सॉरी, मैं पीछे जा रहा हूँ वापस. रणबीर कपूर का जो लास्ट पापा था, पापा जब वो मार के आता है, वो इधर पूरा ब्लड सोक्ड होता है, वो पापा बोलता है, एकदम इनोसेंट पापा लग रहा है, पापा देखो मैं क्या करके आया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, आई वाज रेस जीत गया पापा, मैं वैसा ट्राई. हाँ यार, ब्यूटीफुल, उसने जिस तरह से बोला ना, बहुत अमेजिंग था.
हाँ सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट ओके देयर इज वन मोर थिंग आई हैव अ थियरी कौन सा थियरी ये शान भाई ने भी बात की थी और मैंने भी नोटिस किया था कि जो जो जो, जो फैक्ट्री वर्कर्स के सामने वाला सीन है जो स्वास्तिक के आगे बात कर रहा है वो नाजी से इंस्पायर्ड था आई थिंक आई अग्री भाई क्योंकि देख मैं देखो बताता हूँ हिटलर का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था कि ही वॉज वेरी गुड एट ओरेशन That means कि जो जब जब किसी को मतलब सामने वाले को कन्विंस करना होता था वो बहुत अच्छा था हमारे थिएटर में एक्चुअली बोलते भी अगर आपको अच्छे से अगर एक्टिंग सीखनी या फिर आपकी बात लोग सुने तो आप हिटलर को स्टडी करो उसकी जो स्पीच है उसको स्टडी करो एग्जैक्टली सो हाँ तो और उसमें मैं आपको बताता हूँ पीछे स्वास्तिक अपना नॉर्मल वाला है ठीक है आगे आगे बंदा ये कर रहा है मतलब ये नहीं कर रहा है डायरेक्टली लेकिन ये कर रहा है ठीक है तो मैं पागल हूँ मुझे पता चलता है ठीक है yes, 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 yes. और इवन उसमें ये किया है तीन ऐसा नहीं किया नॉर्मल इंसानों की तरह ये किया है तीनों को ढूंढ के मारूंगा हाँ वो क्विंटन टेरेंटिनो ने भी ये ऐसा कुछ वो इनग्लोरियस बास्टर्ड का सीन है वो इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में जब माइकल और वो ऐसा करता है इसीलिए उन इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का जो गैंग है उनको पता चलता है ये जर्मन नहीं है वो ऐसे करता है लेकिन जर्मन 3 ऐसा होता है हाँ एग्जैक्टली तो हाँ मतलब उसको आगे जाके मतलब समझ गए कि वो आगे जाके बोलता भी है कि एक सेकंड वो आगे जाके ये बोलता है कि नाजी वाला टेढ़ा होता है और हमारा सीधा होता है ये आपने जस्टिफाई मतलब बोल दिया इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं मान जाऊंगा आप हिटलर से इंस्पायर तो हो ही ना यार मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट हाँ लेकिन पता है मुझे पसंद क्या है कि वो किसके मुंह से बुलावड़ा है मतलब नाजी उसने किसके मुंह से बुलावड़ा मतलब बुलाया है एक चर्च वाले बंदे से उसने कहा कि तुम्हारा नाजी वाला है और फिर जाके उसको करेक्ट करता है तो वो किसको एड्रेस कर रहा है हाँ उसके बारे में बात नहीं कर रहा पर मैं नहीं पर मैं नहीं पर उस पे नहीं जाते ना नहीं अपन को जिंदा रहना है हाँ जिंदा रहना है पीसफुल कम्युनिटीज होती है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो नाजी वाला जो एंगल है वो उसमें दिखाया है और आई थिंक इट इज वेरी एविडेंट कि वो हिटलर से इंस्पायर्ड था वो कैरेक्टर एटलीस्ट उस मोमेंट में वो हिटलर से इंस्पायर्ड था आई एम नॉट सेइंग थ्रू आउट द फिल्म इवन अगर अब मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर मेरे को ऐसे जोश वाला सीन दिखाना है अपने मूवी में तो ऐसे मैं हिटलर को रेफरेंस लूंगा ही ना क्योंकि ही इज गुड एट के भाषणबाजी में ऑफ कोर्स एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक हद तक हम देखें ना तो उसने हिटलर वाला काम तो किया है ही हैज डन मास जेनोसाइड नो यस ऑफ कोर्स वो 400-500 लोगों को होटल में मार रहा है मशीन गन से मार रहा है भाई बकायदा कस्टम मेड वही तो आत्मनिर्भर करके भाई साहब ने आत्मा उड़ा दी सीरियस बातें हो रही है सॉरी मस्ती नहीं करते आत्मा आई गेस दैट इज इट फॉर द फिल्म और डू यू हैव एनी फाइनल थॉट्स मतलब हाँ तू मैंने तो अपना बता दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर तू अपना पॉइंट तो रख देखो प्रॉब्लमेटिक चीजें है ठीक है अभी आपको क्या लेना है नहीं लेना वो आप पे निर्भर करता है अगर आप उसके अंदर से खराब ले रहे हो पर मैं तो बोल रहा हूँ लेना ही क्यों है फिक्शनल कैरेक्टर है ना देखो अभी अपन को मालूम है अपन समझदार लोग है लेकिन कुछ लोग होते हैं ना अग्रीड अपाहिज थोड़े दिमाग से बट देन अगेन कि एक स्मॉल फैक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए तू पूरी फिल्म तो नहीं बना रहा ना नहीं नहीं मेरा पॉइंट मैं इंडायरेक्ट उनको जवाब दे रहा हूँ जो समझ नहीं समझे लेकिन मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि अब जैसे कि आई थिंक राजकुमार राव की एक टेररिस्ट के ऊपर फिल्म आई थी ओमेर्टा हाँ तो बहुत ब्यूटीफुल फिल्म देखनी चाहिए दिस इज अ फिल्म रिकमेंडेशन फ्रॉम मी तो उसके अंदर से आप कुछ लोगे थोड़ी वो तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली दैट इज अ कैरेक्टर स्टडी दिस इज अ कैरेक्टर स्टडी दिस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर दैट इज अ रियल कैरेक्टर और जो फीमेल मेल तो इसके ऊपर जो बताया है कि क्या कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर क्या कहते हैं ठीक है हाँ मैं मानता हूँ कि फीमेल के जो कैरेक्टर्स थे दे वर लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंग्स बट ये स्टोरी ही फादर सन रिलेशनशिप के ऊपर है उसमें बेटी पर सुनना जो जो एनिमल या फिर जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है
उसे पिक्चर में दो लोगों से लाफे खा रहा है और वो अपनी बीवी और अपने पिता और अपने पापा से और किसी से नहीं। So, और सबसे ज्यादा थप्पड़ तो उसकी बीवी मार रही है भाई। Exactly. और तो, तब किसी फेमिनिस्ट को प्रॉब्लम नहीं है, वो जो इक्वालिटी के लिए बात करते हैं। अरे रांझणा में I am not supporting कि लड़कों को मारना चाहिए या लड़कियों को मारना चाहिए, किसी को किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। Of course, लेकिन क्या कहते हैं जो दोगलापन आता है ना, के बट आप भी मानते हो ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कभी चीजें हो जाती है। देखो वो फिर साइकोलॉजी की बात आती है कि आप मोमेंट पे क्या कर रहे हो और क्या डिसीजन ले रहे हो, वो आपके कैरेक्टर को दर्शाता है और वही तो कर रहा है वो कैरेक्टर ही ऐसा है भाई। हाँ वो वापस मैं वो कहना चाहूंगी, कुत्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना भोके तो फिर अलग बात है, गलत बात है ना। सो आई गेस यही है। और तो मतलब ये जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो पहले और भी फिल्मों में हो चुके हैं, तब इनको बोलना नहीं होता, लेकिन इस बार कोई ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर क्या कहते हैं उनके थोड़े एजेंडा से मिलते नहीं है या फिर क्या कहते हैं और उनको पर्सनली आई डोंट फील कि द क्रिटिक्स लाइक वांगा। यस, क्योंकि उनके उनके कबीर सिंह वाले इंटरव्यूज भी मैंने देखे थे एंड उसमें काफी एविडेंट भाई, पर वांगा भी कम नहीं है, वो उधर उनकी ही तुम्हारी जो जमात है ना और अरे वो तो हु इज दैट फेलो गाय, हु इज फैट गाय, फैट गाय, और फैट गाय को फैट नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। ओके ठीक है, जो एंड क्रेडिट सीन है भाई, हम दोनों ने विक्रम देखी है, हम दोनों ने एनिमल देखी है, विक्रम का एंडिंग सीन बेटर था या ये? सच बोल ऑनेस्टली। एनिमल विक्रम, विक्रम सॉरी आई हैड टू विक्रम गाइस। हाँ, मैं विक्रम का इतना बड़ा फैन हूँ ना, मैं हम लोग उसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे। हाँ। लोकी वर्स पे हम लोग अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे, कनकराज मतलब लोकेश कनकराज, वो पूरा अलग है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन देखो व्हाई व्हाई डू यू थिंक इट वाज बेटर, बिकॉज़ क्या कहते कम कैरेक्टर्स है और जितने इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उनके साथ ही अगला जो सेटअप तो है वो तो है ही, लेकिन जो कैरेक्टर आ गया है उसका भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होना शुरू कर दिया है वो सीन में। अग्रीड, पर जो रोलेक्स वाला है ना वो लग रहा है कि हाँ कोई गैंगस्टर आ गया, थोड़ा है भोकाल है इसका थोड़ा बस, नहीं बट मेरे को वैसा लग रहा था। नहीं मेरे को रोलेक्स का बेटर इसलिए भी लगा क्योंकि थ्रू आउट द फिल्म रोलेक्स की बातें हो रही है, इवन कैदी में रोलेक्स का मेंशन है। यस यस, वो जो उसके जो ड्रग्स के है उसके ऊपर एक सिंबल भी लगा रहता है। हाँ, तो, लेकिन क्या कहते हैं तो मतलब वो वेल थॉट आउट लगता है। हाँ। इसमें इसमें ऐसा नहीं करोगे, इट्स नॉट वेल थॉट आउट, इसमें भी पहले ही फिल्म में बता दिया है कि रणबीर कपूर के जैसा वो लोग एक बना रहे हैं, एक बंदा बना रहे हैं, सो दैट वाज नॉट माय प्रॉब्लम। बट इसमें ये मेरे को खुद भी रोलेक्स से ही इंस्पायर्ड लगा, ये जो सीन था ना। हाँ, हाँ। वो मेरे को रोलेक्स से ही इंस्पायर्ड लगा, सो रोलेक्स केम फर्स्ट सो ही विंस, दैट्स इट फॉर मी। नहीं मैं एक और चीज कहता हूँ कि उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है पता है कैसे, वो उसके भाई की बीवी वहाँ पे है तो उसको क्या कहते हैं वो कह भी रहा है कि चिंता मत करो मैं शादी अभी आपसे मैं शादी कर लूंगा। सो और इवन एक और डायलॉग, मेरे जैसे नहीं दिखता मतलब मेरा बेटा है। हाँ। so, that is... वो डायलॉग को समझने के लिए 2 सेकंड लग गए। yes, yes. मेरे जैसा नहीं, अच्छा ओ ये ना, अरे सो मेरे और इवन जो क्या कहते हैं वो ज्यादा आई गेस वो ज्यादा खून दिखा दिया इससे, ज्यादा मैं थोड़ा अटैच हो गया उससे आई गेस। नहीं नहीं मतलब ठीक है, सो That is it. और एनिमल पार्क के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, उसके अंदर जो फॉन्ट चॉइसेस या फिर जो लिखा कम विजिट सून, हाँ कम विजिट सून लिखा है साहब ने। को, ओ भाई ये कुछ हो रहा है, अभी आगे जाकर कुछ तो होगा। और जो बुढ़ा रणबीर कपूर है वो तुझे क्यों लगता है कि वो ओरिजिनल रणविजय ही है? मैं बताता हूँ, वो ओरिजिनल इसीलिए लगता है क्योंकि it does not make sense if you kill off रणविजय, you know? और उसके बाद अजीज हैप्पीली एवर आफ्टर उसकी ही फैमिली के साथ, तू जो फर्स्ट सीजन देखेगा ना उसमें उनके भाइयों के साथ बैठा है। ठीक है, तो अब कजिन्स के साथ वो क्यों इतना अटैच होगा पहली बात, और दूसरा अगर उसने ऐसा भी कहा था कि वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे, और मतलब परिवार में तो आई गेस कजिन्स भी आ ही जाएंगे ना, सो आई डोंट थिंक कि वो कजिन्स को, क्योंकि तू देखेगा ना तो एंड क्रेडिट सीन में दो बंदों को उसने मारा है, और वो एक जो अर्जन वैली गा रहा था उसको, और दूसरा उसका नाम रॉयल था उस मूवी में, उसको मारा था उसने, तो वो उसके
कजिन्स को क्यों छोड़ेगा? पर मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या पता वांगा सबको यही सोचने पे मजबूर कर रहा हो, फिर एंड में कुछ अलग कर दे। ऑडियंस यही सोच रहे कि हाँ ये तो अपना ही होगा ना, फिर एंड में जाकर अलग कर दे तो नहीं। पर मेरे हिसाब से अगर रणविजय मर गया तो फिर इट वोंट मेक सेंस। क्यों मतलब भाई नहीं मतलब... नहीं बनेगा ना, तू पूरी पिक्चर की फ्रेंचाइज ही चालू रणविजय से कर रहा है और बाद में एंड में पे ऑफ ही नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। क्या पता ग्लोरीफाइड डेथ्स मिल जाए थोड़ी, आई गेस पता एकदम बहुत बड़ी कुछ वांगा ने कुछ सोच रखा हो इसलिए तो ना। अभी अभी काफी सारी न्यूज भी आ रही है कि वांगा बोल रहा है कि मैंने और रणबीर ने और भी डार्क चीजें सोच रखी। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है भाई, इससे भी डार्क, इससे डार्क, हाथ काट के उसको फेंक रहा है, मतलब क्या इससे डार्क? ए सर्टिफिकेट से ऊपर तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होता ना भाई। वही, सो दैट इज इट फॉर टुडे आई गेस। काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया और जितनी लंबी फिल्म थी उसके हिसाब से तो आई गेस इतना वर्थ इट भी है। अरे एडिटिंग में अगर आपने इधर तक देखा है तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसके जो स्निपेट्स और शॉर्ट्स है वो इसी चैनल पे हम लोग अपलोड कर देंगे क्योंकि दूसरी चैनल बनाने की औकात नहीं है हमारी, एक संभल नहीं रही तो कोई बात नहीं। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।